ठीक है जी, आज की अपडेट ये है स्टॉर्म की कि इसने खाना पीना थोड़ा स्टार्ट कर दिए, बट अभी मुंह के अंदर जो है अभी जो है काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन है और इसके मैगेट्स जो हैं वो मुंह के अंदर भी पड़े हुए हैं। अभी इसने खाना स्टार्ट किया है तो आप ये देखें कि इसके मुंह से कीड़े गिर रहे हैं। अब ये जो मुंह के अंदर हम स्वेलिंग देख रहे थे वो वोंड के हुआ है और उसके अंदर मुंह के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। तो अभी इसको खाना वगैरह खिला के थोड़ा सेटल डाउन करके इसको हम लोग दोबारा एक बार बेहोश करेंगे, इसका मुंह वगैरह खोल के जिसकी भी कीड़े हैं जितने भी मुंह से वो निकालेंगे। अगर कहीं स्टिचिंग होनी है तो स्टिचिंग करेंगे, साथ अगर उसी दौरान में इसको न्यूटर भी कर देंगे ताकि इसकी न्यूटरिंग सर्जरी के लिए हमें इसको दोबारा भी होश ना करना पड़े। बट ये है कि अलहमदुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है, खाने की भी कोशिश कर रहा है, बट मुँह के अंदर क्योंकि कीड़े पड़े हुए हैं तो इसको उतना जो है कम्फर्टेबल नहीं है खाने में जितना इसको होना है। अब ये देखें कितनी कोशिश कर रहा है कि ये खाए, एक भूख भी लगी हुई है उसको, बट वो सारी जो सिचुएशन है वो सिर्फ मुँह में कीड़ों की वजह से खा पीने का। तो वो अभी हम इसकी जो है क्लियर करेंगे, अभी बेहोश करके तो इसके सारे मैगेट्स रिमूव करेंगे। इस तरह के बड़े बड़े कीड़े जो हैं वो इसके पूरे मुंह के अंदर पड़े हैं। असलम जी, अभी इसके मुंह से और जो ग्राइंडल एरिया है वहाँ से भी इसके जितने मैगेट से रिमूव हो गए हैं, हर तरफ इसके कीड़े पड़े हुए हैं, मुंह भी अंदर कीड़ों से भरा पड़ा है, पीछे जो जहाँ से पोटी करता है वो एरिया भी इसका जो है मैगेट से भरा पड़ा है, और इसको इस पूरे स्टेटस के अंदर जॉइंडस भी हुआ हुआ है, इसे येलो हुआ है सारा, और सारी जो है इसके गम्स भी येलो हो गए हुए हैं। तो अभी इसका हमने जॉइंटस का ट्रीटमेंट करना है, मैगेट वुंड का ट्रीटमेंट करना है। अभी हमने इसको बेहोश किया था इसके मैगेट्स रिमूव करने के लिए, तो हमने इसको न्यूटर भी कर दिया ओनर के कंसेंट के साथ कि अगर फ्यूचर में जो है ये ब्रीड ना कर सके और इस तरह की जो कैट की पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल में आए, तो इस तरह की रेस्क्यू कैट को जो न्यूटर कर देना एक अच्छा आइडियल स्टेप होता है। तो बहरहाल ये है कि अभी इसका ट्रीटमेंट फर्दर कुछ दिन चलेगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा कुछ 5-10 दिन ऊपर नीचे जा सकता है। हम 3 से 4 दिन इसका ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इसके मुंह के मैगेट्स और पीछे काफ़ी बुरी हालत है, जॉइंट्स भी है, तो इसको 10 से 15 दिन जो है चीज़ें चल सकती हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, जैसे इसकी मेडिकेटेड फूड है या ऐसी जेलीज हैं और वेट हाइड्रोवेट है, ताकि सॉलिड फूड तो अभी चबा नहीं सकेगा क्योंकि मुँह में दांत भी नहीं है, काफ़ी एज भी इसकी ज़्यादा लग रही है, और जो पानी पी रहा है उसके अंदर हम हाइड्रोवेट मिक्स करेंगे ताकि इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होते रहे। इस पूरे प्रोसेस में हम इसको ड्रिप्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि ये स्टेबलाइज हो। तो आप अगर आप में से कोई बंदा है इसके लिए कोई वेट फूड या इसकी हाइड्रोवेट या सप्लीमेंट्स वगैरह स्पॉन्सर करना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।